Ask everyone to join early. Good morning, sir. Good morning. What I taught last time? My name Fatmi. Yes, sir. Last time क्या पढ़ा था हम लोगों ने? Sir, donation of blood bank. Blood bank. Yes, sir. Tell something about the blood bank. Sir, it is a place where people go and donate blood on their own will. Different types of blood are there, and it's there for use if anyone needs, so they can go and take. कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस बताई थी मैंने आपको. यस सर. आपके पास नोट्स हैं? यस सर. उनको देख के पढ़िए जिससे समझ में आ जाए. पढ़िए. एवरीबॉडी शुड हियर. हाँ बोलिए. सर वन मिनट. The age above 18 years and below 16 years, 60 years. ये age क्या है? What is this age? Sir, age क्या? Age of a person who is going to donate blood. Yes. Should be लेने वाले age कुछ भी हो सकती है. No sir. Blood, above 18 years. नहीं नहीं, आई एम सेइंग ब्लड तो किसी लेने वाले की एज नहीं माने करती है. ब्लड डोनर की एज क्या होनी चाहिए? वो 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए. यस सर. एंड नंबर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द डोनर इज अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द डोनर इज हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी मोर देन 12 ग्राम पर. वेरी वेरी गुड वेरी गुड. The at least month should be four months from the there should be donation. At least 4 months gap between the second donation. दूसरा donation करने के लिए कम से कम 4 महीने का gap होना चाहिए. जैसे आज जून में हमने दिया blood. आज डेट कौन सी है? 22 जून. तो अब हम कब ब्लड दोबारा दे सकते हैं वॉलंटरली? आफ्टर 4 मंथ्स. कब होगी? डेट कब होगी बताइए. 22 जून मैंने बताया आपको. 22 अक्टूबर. आई विल कैलकुलेट इट. यस आफ्टर 22 अक्टूबर. तो इसके बाद दोबारा वॉलंटरली हमेशा जो डोनेशन होगा वो वॉलंटरी होना चाहिए. By any compulsion या किसी भी लालच से या जो प्रोफेशनल हो जाते एडिक्ट्स होते हैं जो जो मार्फिन वगैरह के एडिक्ट्स होते हैं वो अक्सर फॉर द वांट ऑफ मनी वो लोग डोनेशन के लिए जाते हैं. उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा नहीं होता है तो ऐसे लोग भी जाते रहते हैं. तो इट शुड बी after gap of 4 months and it should be voluntary donation, not any compulsion. कोई भी पैथोलॉजी में नहीं होना चाहिए. प्रेग्नेंट लेडी नहीं होनी चाहिए. प्रेग्नेंट लेडी से ब्लड नहीं लेते हैं. और कंडीशंस क्या बताई थी? The person should be free from any serious disease. Yes, very important. कोई serious disease हो एक example बताइए. सर एड्स. एग्जाम एड्स. यस
एड्स, ए नॉट ओनली एड्स, एड्स और एचआईवी में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड एचआईवी? सुना है ना दोनों नाम? यस सर। दोनों दोनों नाम को बताइए क्या है, एचआईवी का मतलब क्या है और एड्स का मतलब क्या है? दोनों, पहले तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी एल्स जिसको पता हो? ना, एनीबडी एल्स कैन टेल? फैसल खान? यस सर। हाँ बताइए, एचआईवी क्या है और एड्स क्या है? सर एचआईवी वायरस है सर, एड्स जो है सर डिजीज का नाम है। एचआईवी वायरस है, पूरा नाम क्या है एचआईवी का? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ना? yes, अभी और कोई शब्द छूट गया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन में जो इम्यूनिटी है उसको डेफिशिएंट करने वाला वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हुआ इन्फेक्शन। अगर पर्सन को एचआईवी इन्फेक्शन है, अभी एड्स नहीं है, तो भी हम उसका ब्लड नहीं लेंगे। इसलिए जब हम ब्लड ले रहे हैं तो इनकरेज करते हैं एचआईवी टेस्ट कराने के लिए पेशेंट को। एचआईवी टेस्ट करा करके ही हम उसका ब्लड ले सकते हैं। अगर एचआईवी में पॉजिटिव है तो हम उसका ब्लड नहीं लेंगे। बात समझ में आई? तो एचआईवी एक तो हो गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये तो बॉडी में आ गया यानी पॉजिटिव हो गया केस। उसके बाद एड्स माने होता है एक्वायर्ड, नोट कर लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी है, एचआईवी इन्फेक्शन है। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जब जाती है बॉडी में उसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मगर उसके बाद तुरंत बीमारी नहीं प्रोड्यूस हो जाती है। ये बीमारी प्रोड्यूस होने में एटलीस्ट डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, 5 से 10 साल लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जब बॉडी में जाएगा तो जो डिफेंस सिस्टम है उसकी सेल को किल करता रहेगा धीरे धीरे ह्यूमन में। और जब उसके नंबर कम हो जाएंगे, यानी जैसे 500 सेल थी पहले, 1000 सेल थी पर क्यूबिक मिलीमीटर, वो कम हो करके 400, 500, 200 ऐसे रह गई, डेफिशिएंसी कर दी इम्यूनिटी सेल्स की, डिफेंस सेल्स की, तब ये बीमारी प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों का समूह, सिंड्रोम। बीमारी में आप डायग्नोसिस जो पढ़ते हैं एक बीमारी की होती है, और इसमें बहुत सारी, लंग भी खराब है, किडनी भी खराब है, लीवर भी खराब है, तो ये क्या हुआ, सिंड्रोम हो गया, मल्टीपल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो गया बॉडी के अंदर, तो ये बीमारी क्या कहलाएगी, सिंड्रोम। सिंड्रोम माने जैसे आप सेंटेंस की सिंथेसिस करते हो ना, सिन एनालिसिस में अलग अलग सेंटेंस हैं, आपने 4 सेंटेंस को एक में जोड़ दिया तो सिंथेसिस हो गई, वैसे ही सिंड्रोम हो गई, 4 बीमारियां जोड़ करके सिंड्रोम, 5 बीमारियां मिलकर के क्या कहलाएगा, सिंड्रोम। किसका किसका नाम ले, इसलिए हम सिंपल बात कह देते हैं सिंड्रोम। एक्वायर्ड माने जो बॉडी ने पाया, खुद पाया, ऐसा नहीं है कि गिफ्ट पहले से मिला हुआ है, यानी ये एक्वायर्ड इसलिए कहलाती है बीमारी क्योंकि एचआईवी का इन्फेक्शन रॉन्ग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, अनहाइजीनिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आता है। ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है बिना ऐसे कॉन्टेक्ट के आ जाए, तो ये कहते हैं खुद लिया जा करके पेशेंट ने, इसलिए इसको कहते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये डेवलप होती है अगर इसको किसी को एड्स हो ही गई है, यानी एचआईवी इन्फेक्शन तो बहुत बढ़ गया इसका मतलब, तो ऐसे
डोनर से ब्लड नहीं लिया जाता, क्योंकि ऐसा ब्लड किसी और को नहीं दिया जा सकता, ये लीगली ठीक नहीं है, क्योंकि बीमार नहीं करना है किसी को। आई बात समझे? और अदर क्या थे इंडिकेशंस, कैसे ब्लड किससे लेते हैं? यस, तो हमने पिछली बार प्री काउंसलिंग पढ़ी थी। प्री काउंसलिंग क्या होती है? टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग बताई थी, प्री डोनेशन काउंसलिंग। प्री डोनेशन काउंसलिंग का मतलब है उस पर्सन से बातचीत करके पूरा निष्कर्ष निकालना जो डोनेट करने जा रहा है ब्लड, उससे क्या क्या बात करते हैं हम। पहले तो उसका
हेलो कामनी पाल, कामनी पाल Ask everybody to join. कामनी पाल, आर यू हियरिंग मी? आपके पास साउंड जा रही है? हेलो,